प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने क्षमावाणी के जरिए कुबेरेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित प्रदीप मिश्रा तथा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति अपनी श्रद्धा भी प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि कथावाचक उपाध्याय जी धर्म के मंच पर मैं शब्दों का सही संयोजन नहीं कर पाया, जिसका मुझे खेद है तथा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं संत कथावाचक श्री रामकृष्ण उपाध्याय जी के आदेश से, उनकी प्रेरणा से, उनके धर्म मंच पे कहे हुए शब्दों को, जिन शब्दों को मैं सही संयोजन नहीं कर पाया, उनके प्रति खेद व्यक्त करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मैं अपनी अगाध श्रद्धा कुबेरेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश वर आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी, इनके प्रति आघात श्रद्धा जताते हुए मैं संत रामकृष्ण उपाध्याय जी से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने वाणी से, अपने मुखारविंद से, श्री राम कथा के माध्यम से, श्री भागवत गीता के माध्यम से, श्री महाशिव पुराण के माध्यम से धर्म की गंगा अविरल निर्बाध गति से बहाते रहें, ताकि उस धर्म गंगा का लाभ भी हम सारे लोग ले सकें। आपको प्रणाम।